नागपुर के नंदनवन और तहसील थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर में घुसकर वृद्ध महिला और युवती को चाकू की नोक पर लूटने की घटना सामने आई है। एक के बाद एक दो वारदातें होने से पुलिस में हड़कंप मचा है। कई घंटे चले खोज अभियान के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी जानकारी एसीपी सचिन थोरबोले द्वारा दी गई। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत रोहित शाह के इतवारी मार्केट जैन मंदिर के पास अमृत पैलेस इस बिल्डिंग में भर दोपहर 1 बजे के करीब घर में कोई ना रहने से बेटी खुशी शाह घर में अकेली थी। इसी बीच एक अज्ञात आरोपी ने घर में प्रवेश कर खुशी शाह के गले पर चाकू रखकर नगद और गहने मांगे, लेकिन खुशी शाह के पास कुछ ना रहने से उसने अपने ATM कार्ड और कान के रिंग अज्ञात युवक को दे दिए, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला और नंदनवन पुलिस स्टेशन अंतर्गत 4 बजे 60 वर्षीय कमला इंगोले वाठोड़ा रोड निवासी के घर भी चाकू दिखाकर सोने की चैन लेकर फरार हो गया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने तहसील पुलिस स्टेशन में शिकायत की। आरोपी को 12 घंटे में तहसील पुलिस स्टेशन के DB पथक ने पकड़ा। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। आरोपी ने बताया कि उसे एक बीमारी है, इसलिए उसके इलाज के लिए 50 से 60 हज़ार खर्च लगेगा, इसलिए उसने लूट को अंजाम दिया। आज दिनांक 24/1/2022 रोजी दुपारी 12:30 ते 1 दरम्यान पोस्टे तहसील हद्दीतील जो जुना चौक आहे त्या चौकामध्ये एका व्यापाऱ्याच्या घरी एक आरोपी घुसून त्यानं त्यांच्या मुलीला धमकावलेलं होतं आणि तिच्याकडून त्यानं कानातील इयरिंग्स बेंटेक्सचे घेऊन आणि ATM कार्ड तो घेऊन फरार झाला होता। तिथून पुढे तो नंदनवन हद्दीत एक अशीच एक घटना घडलेली होती। नंतर आम्ही टेक्निकल डिटेलच्या आधारे त्या आरोपीचा माग घेतला असता आरोपी प्रणय निमजे हा आम्हाला पारडे हद्दीत मिळून आला आणि त्या आरोपीनं दोन्ही ठिकाणी हे कृत्य केल्याचं आणि तसेच या दोन्ही ठिकाणी तो अगोदर कामाला होता, त्यामुळं त्या ओळखीच्या ठिकाणी त्याला त्याच्या उपचारासाठी पैसे हवे होते, त्यामुळे त्यांनी हे कृत्य केल्याचं कबूल केलेलं आहे। त्याला पिस्टूल नावाचा आजार होता आणि त्याच्या उपचारासाठी त्याला 50 ते 60 हज़ाराची रकमेची आवश्यकता होती, त्यामुळे त्यानं ह्या रकमेत उपचार भागवण्यासाठी त्याने ह्या दोन्ही ठिकाणी अगोदर काम केलं असल्यामुळे त्याला ह्या माहिती होती की ही घरामध्ये पैसे आहेत, त्यामुळे ते दोन्ही ठिकाणी गेला आणि त्यानं पैशाची मागणी केली। यासाठी त्याने एक चाकूचा वापर केलेला आहे। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।